राधे राधे दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आ गई शिवरात्रि। जी हाँ, शिव की रात्रि जो है वो आ गई है। और ये जो है सावन मास में शिवरात्रि का जो है वो अपना महत्व होता है। सावन मास की शिवरात्रि, पूरा साल जो है हम लोग वो सावन मास का जो हम इंतजार करते हैं, शिव भोले बाबा की भक्ति का इंतजार करते हैं। और सावन मास में किस प्रकार से भक्ति होती है वो आप सब लोग जानते हैं। और देखिए, इस बार कांवड़िया जो है वो भी जा नहीं पाए और कांवड़ नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि आपको पता ही कोरोना के चक्कर में कितना परेशानियां जो है वो होती हैं। तो लेकिन आप लोग घबराइए मत, क्योंकि मंदिर जो है वो अब खुले हुए हैं और आप जाकर क्या कर सकते हैं, आप मंदिर में जाकर मंदिर में उपाय कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। क्योंकि भोले भंडारी ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं, ऐसे भोले हैं कि वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। और सावन का महीना तो ये होता है कि आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए, पति पत्नी के रिश्तों के लिए, पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए, सभी रास्ते आपके जो है वो खुलते हैं। तो सावन की शिवरात्रि जो है, वैसे तो हर महीने में आती है, ये 14वें दिन में आती है मासिक शिवरात्रि। आपको पता ही होगा कि हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन में मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि, और वो भी महाशिवरात्रि का, अपना ही महत्व होता है। तो करना क्या है आपने इस दिन, वो अचूक उपाय जिससे आपके जीवन के सभी रास्ते, समस्त चीजें, समस्त दिक्कतें, परेशानियां जो है वो दूर हो जाए। और आपने देखिए, कुछ ना कर पाए, सबसे पहले मैं बताऊंगी, कुछ ना कर पाए तो आज के दिन आप शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाने जाएं, वो तो आप चढ़ाते ही होंगे, लेकिन फिर भी आज के दिन जरूर जल चढ़ाएं। और दूसरा बड़ा ही सुंदर आपको मैं एक उपाय बता रही हूं, आपने क्या करना है कि आपने लेना है चावल, चावल आपने बनाने हैं और उसको उबाल लेने हैं, सिंपल चावल उबालने हैं। जब आप चावल उबालेंगे और उसके बाद चावल उबालने के बाद जब वो ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद आपने उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा गुलाब जल आपने मिलाना है। गुलाब जल मिलाने के बाद आपने उन चावलों के, 250 ग्राम चावल उबाल लीजिए, बहुत होंगे 250 ग्राम, यह कटोरी उबाल लीजिए। उसके बाद आपने 11 शिवलिंग बनाने हैं चावलों का, चावलों को आप थोड़ा सा पीस लीजिएगा, थोड़ा सा उसको मींद लीजिएगा आटे की तरह, और जब वो बॉयल चावल हो जाएंगे उसमें थोड़ा सा उसको स्टिक करने के लिए आप उसमें पाउडर मिल्क मिला सकते हैं, या आटा मिला दीजिए थोड़ा सा, या उसमें थोड़ा सा जो भी आपको ठीक लगे वो आप मिलाएं, वो आप उसको मिलाकर उसके बाद आपने वो शिवलिंग बना लेनी है। 11 शिवलिंग चावलों के आटे के आपने 11 शिवलिंग बना लेने, चावलों का जो आटा होगा तो आटा भी ले सकते हैं आप, चावलों का आटा गूंद लीजिए, नहीं चावलों का आटा गूंद सकते तो घर में जो चावल बने हुए हैं उसको उबाल लीजिए, उसके अंदर नॉर्मल आटा मिलाकर आप वो गूंद कर उसे जो है उसके 11 शिवलिंग छोटे छोटे बना लीजिए। और उसके बाद उसमें आपने गुलाब जल और गंगा जल तो जरूर डालना है, और वो शिवलिंग जो है वो आपने जो 11 बनाए हैं, और उसमें आप एक एक फूल, कोई सा भी फूल, छोटा सा छोटा फूल उस शिवलिंग के ऊपर लगाकर, या आप उस शिवलिंग के ऊपर एक एक लौंग लगाकर आप जाकर चढ़ाकर आए, कहाँ पर, शिव मंदिर में जो शिव जी जी का पूरा स्थान होता है, वहां पर जाकर वो सारे शिवलिंग जो है उनकी गलहरी पर जाकर रखकर आए। चमत्कारी उपाय है फाइनेंस को ठीक करने के लिए, मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, बच्चों को ठीक करने के लिए, संतान का सुख प्राप्त करने के लिए, फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए, हर समस्या का एक ही उपाय है, ये जो चावलों का शिवलिंग आपने जो बनाना है ये जाकर भोले बाबा पर चढ़ाकर आइए, 11 शिवलिंग। साथ में आपने जगह उससे, उसके बाद आपने जो है बेलपत्र से, अक्षत से, जो है आपने फूलों से, जैसे मर्जी श्रृंगार कीजिए, पूरा दिन आपका है, लेकिन जरूर कर कीजिए ये उपाय जो मैंने चावलों का शिवलिंग, जो लोग 11 ना बना पाए वो कम से कम एक जरूर चढ़ाए, एक शिवलिंग जरूर बनाए और उसे मंदिर में रखकर आए, गिलहरी पर, शिवलिंग की गिलहरी पर, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। गायों को आज के दिन जो है वो पानी जरूर पिलाएं, गाय को आज के दिन जो है हरा चारा जरूर खिलाएं, खीरे जरूर खिलाएं, गाय नंदी अगर आपको मिल जाए, नंदी भगवान मिल जाए, यानी नंदी देव मिल जाए, हम तो भगवान ही मानते हैं, गाय हमारी माता ही होती है, तो नंदी अगर आपको मिल जाते हैं तो आप नंदी को जो है, गाय को आप उन्हें वो चढ़ाएं, खीरे खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, एक घर में रोटी बनाए, बड़ी सी गुड़ की रोटी बनाए, वो आधी जो है वो गाय को खिला दें और उसकी आधी जो है वो कुत्ते को डाल दें,
और आधी जो है वो पक्षियों के लिए रख दे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई उपाय करने की जरूरत है। ये हरियाली जो आपका जो है शिवरात्रि है, ये जो हमारी सावन की शिवरात्रि है, इस पर ये अचूक उपाय आपके जीवन के समस्त कष्टों को, पापों को दूर कर देगा। करके देखें उपाय। आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। राधे राधे।